Get smart with Saurabh Sabharwal on Filmi Nukkad. All right, हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ जी हर ट्यूसडे की तरह आज भी, और आज भी हम करेंगे कुछ खास बात अबाउट यू नो कनाडा में क्या हो रहा है, रियल एस्टेट में कैसे उसका इफेक्ट होता है, प्लस कुछ और भी खासकर इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इनटू समथिंग रियली गुड तो वहां से अच्छी एडवाइस और कहां मिलेगी आपको, है ना। टीम सबरवाल के एक्सपीरियंस वैसे भी पूरे अपने ओंटारियो जीटीए में सभी लोग मानते हैं, तो नंबर सौरभ जी को जिस पे आप कॉल कर सकते हैं टू डिस्कस फर्दर इज 6478648844। एंटिल यू कॉल, एक क्विक सी वार्तालाप यहीं पर ऑन फिल्मी नुक्कड़। सौरभ जी वेलकम। जी थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन एयर, एंड हर ट्यूसडे की तरह हम हाजिर हैं एंड रेडी टू रॉक एंड रोल। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ वेरी गुड डिस्कशन विद यू अगेन। यस, और डिस्कशन के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आज खास निकाले हैं क्योंकि आज कुछ बड़ा यू नो हलचल हुई है, हम आपको पता है आज काफी हलचल हुई है। अच्छा, तो हलचल से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ अपने लिसनर्स को कि ये नंबर जो मैं अब अनाउंस कर रही हूँ इसको नोट करके हैंडी रखें, क्योंकि ये सेगमेंट जब आप ध्यान से सुनेंगे तो एक कॉन्टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे और उसके लिए ये नंबर आपके काम आएगा, क्योंकि अगर आप उसमें जीत जाते हैं तो आप $25 का गिफ्ट कार्ड जीत सकते हैं। एंड नंबर इज 1855630 3232। इस नंबर को ना फ्रिज पे लगा लें कहीं अपने मैग्नेटिक कहीं, 1855630 3232। इस नंबर पे आपको जब हम सवाल करेंगे उसका आंसर टेक्स्ट करना है रेडियो करके, सिर्फ रेडियो टेक्स्ट करना है एंड देन इट विल यू नो प्रॉम्प्ट यू टू डू सर्टेन थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू आंसर एवरीथिंग। और अभी हम बात करते हैं सौरभ जी से वापस। सौरभ जी, मुझे पहले तो ये बताएं जो हलचल हो रही है उसके बारे में तो मैं बाद में आऊंगी, एक हलचल हो रही है इस पैंडेना पे, वो कौन सी है उसके बारे में बता दें पहले। जी बिल्कुल, अभी एक हमने प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है रीसेंट, वेरी रिसेंटली इनफैक्ट, 101 स्पडाइना करके, ये है स्पडाइना एवेन्यू और एडलेड के इंटरसेक्शन पे, विच इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट लोकेशन इन डाउनटाउन टोरंटो। और देखें डाउनटाउन जगह ऐसी है कि दैट नेवर गोज आउट ऑफ फैशन। यस, और 101 स्पडाइना एवेन्यू जो है वो डेवरॉन डेवलपमेंट्स का है एंड इट इज अ फैंटास्टिक बिल्डिंग दैट्स कमिंग अप। और Q4 ऑफ 2028 में इसकी ऑक्यूपेंसी है, काफी अच्छी लेट है, और सिंस वी आर सेइंग फोर्थ क्वार्टर मोस्ट लाइकली इट कैन गो अप टू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2029। एंड बहुत बढ़िया इंसेंटिव्स हैं, हमने अभी पीछे इसमें वी वर एट द बिल्डर्स ऑफिस ऑन वीकेंड, बहुत अच्छी भीड़ चाल थी, वेरी गुड रिस्पांस प्रोजेक्ट का आया है। इट्स 5 मिनट्स लोकेशन फ्र�म टिफ बेल लाइट बॉक्स, 7 मिनट वॉक फ्रॉम स्कोशिया बैंक थिएटर है, 9 मिनट्स टू रॉयल अलेक्जेंडर थिएटर और 10 मिनट की वॉक है रॉय थॉम्सन हॉल की। सो यू कैन इफ यू आर यू नो फेमिलियर विद डाउनटाउन, आपको इफ यू टेल समबडी यू आर ऑन एडलेड एंड स्पडाइना विच इज लोकेशन इज बिटवीन एडलेड एंड किंग स्ट्रीट वेस्ट, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद द लोकेशन, इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आपके प्रोमिनेंट जो लैंडमार्क्स हैं डाउनटाउन टोरंटो के, दे आर लेस देन 10 मिनट्स वॉक, और अगेन डेवरॉन हैज अ वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ डिलीवरिंग एक्सलेंट एक्सलेंट प्रोजेक्ट एक्सलेंट प्रोडक्ट। और डिपॉजिट स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो फिर इसमें आपको देने हैं 15% अ लिटिल ओवर 3 इयर्स में, विच इज वेरी वेरी गुड। मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा इस पे। सो बेसिकली द डिपॉजिट स्ट्रक्चर इज 10,000 आपने साइनिंग पे देना है, 5% आपने देना है 15 दिन में, और 5% आपने देने हैं 2025 में, और 2026 में आपने कुछ भी नहीं देना, 5% आपने देने हैं मई 2027 में, जो 1100 डेज बनते हैं, और लास्ट के 5% आपको देने हैं 2028 में। सो वेरी गुड डिपॉजिट स्ट्रक्चर फॉर डाउनटाउन प्रोडक्ट, एक्सलेंट एक्सलेंट रिस्पांस, और इसमें आपके यूनिट स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द 800, इट्स अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट लग्जरियस टावर, और वी सीन दिस अगेन एंड अगेन, डाउनटाउन जैसी जगह में यू कैन नेवर गो रॉन्ग।
लोग बोलते हैं यार हमें आउट ऑफ GTA चाहिए, सस्ता चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बट यू पे फॉर द लोकेशन. लोग बोलते हैं यार छोटे टाउन में जाके इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास लेना है. डाउन टाउन टोरंटो में जैसे आपके यू नो यू हैव 3 यूनिवर्सिटीज, 4 कॉलेजेस, मल्टीपल ऑफिस टावर्स, एंड यू कैनॉट गो रॉन्ग विद द लोकेशन, यू कैनॉट गो रॉन्ग विद द डेवलपर. और ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं 647-864-8844 पे, या आप रजिस्टर कर सकते हैं teamslabarwal.com पर. और ये प्रोजेक्ट का नाम आपने बताया 101 स्पडाइना टोरंटो. 101 स्पाइडना टोरंटो की हमने आज बात करी है इस वक्त, जो कि डाउनटाउन में आ रहे हैं. बहुत ही अच्छा सा डिपॉजिट स्ट्रक्चर है और साथ में स्टार्टिंग प्राइस इसकी 800s में से है. लग्जूरियस टावर है और लोकेशन 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 एज दे से इट्स इन डाउनटाउन टोरंटो. 101 स्पाइडना. यहां पे अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो सौरभ जी को कॉल जरूर करिएगा 647-864-8844. वेल, ये जनाब जिनको आप अभी सुन रहे थे ये बिल्कुल स्मार्ट नहीं थे. 11 बजे से कितना लंबा देखिए वेट करे जा रहे थे, पर आप स्मार्ट बने. आप सौरभ सबरवाल जी का सेगमेंट जरूर सुने और देखिएगा, जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, इनके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कोई लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और एक अच्छे से इंसेंटिव, अच्छी सी प्राइसिंग पे, एक अच्छी सी जगह पे अच्छा सा प्रोजेक्ट आप इन्वेस्ट करने के लिए आपको जरूर मिलेगा. नंबर टू कॉल सौरभ जी 647-864-8844. और बात सिर्फ प्रोजेक्ट्स की नहीं होती, जैसे कि हम हमेशा सौरभ जी से बात भी करते हैं, इट्स नॉट अबाउट बेचना एंड खरीदना. समटाइम्स व्हेन यू मीट यू नो एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री, आपके अपना नॉलेज बेस बहुत बढ़ जाता है और वो वैसे बहुत अच्छा होता है आपके लिए, जो मुझे काफी टाइम से बहुत समझ में आने लगा है. तो सौरभ जी का नंबर अगेन 647-864-8844. और क्वेश्चन आपका आज का ये है कि किस प्रोजेक्ट के बारे में हमने अभी बात करी. हमने एक बहुत ही अच्छे से प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया जो डाउनटाउन में डाउनटाउन टोरंटो में सौरभ जी लेके आ रहे हैं. क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का, आपको हमें सिर्फ ये बताना है. एंड इफ यू नो द राइट आंसर, आपको करना क्या है, आप जीत सकते हैं $20 का गिफ्ट कार्ड. आपको टेक्स्ट करना है रेडियो, और नंबर क्या है जिसपे टेक्स्ट करना है 1855-630-3232. मुझे कॉल ना करें, आप सीधे इफ यू नो द राइट आंसर, आप ये जो नंबर मैंने दिया है इस पर रेडियो टेक्स्ट कर दें. जस्ट टेक्स्ट RADIO ऑन दिस नंबर विच आई हैव गिवन यू जस्ट नाउ 1855-630-3232. बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, प्लीज डोंट डायल हियर फॉर दिस, टेक्स्ट डायरेक्टली टू सौरभ जी. अच्छा सौरभ जी, ये तो हुई बात कॉन्टेस्ट की, मुझे ये बताए जो सेकेंड चीज हलचल की है वो है बजट. हिला के रख दिया जी. जी देखिए, बहुत एक किस्म से जब लिबरल पार्टी प्राइम मिनिस्टर टूर कर रहे थे पूरी कंट्री को, एक किस्म से उन्होंने ट्रेलर से थोड़ा सा ज्यादा ही सबको एक आइडिया दे दिया था कि बजट में क्या होगा. और जो हमने लास्ट वीक भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था रेडियो पे कि व्हाट दे आर प्रोजेक्टिंग और व्हाट दे आर ब्रिंगिंग टू द टेबल, बट ऑफिशियली बजट को अनाउंस किया गया था आज. और बेसिकली व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम अ रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू, दो तीन पॉइंट्स जरूरी हैं और क्या वो इफेक्टिव होंगे या नहीं होंगे वो देखने वाली बात है. सो फॉर एग्जांपल 2024 बजट में द गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड 3.87 मिलियन न्यू होम्स बाय 2031. 2 मिलियन ज्यादा है जो पहले क्या इनकी पेस थी. 2 मिलियन घर ज्यादा एक्सपेक्ट यू नो दे प्लान्ड ऑन मेकिंग. सो 3.8 मिलियन होम्स आर एक्सपेक्टेड टू बी आर दे आर प्लानिंग टू बिल्ड बाय 2031. हाउ फीजिबल इट इज वो हमने पहले डिस्कस किया था लास्ट वीक की ये करंट बजट तो मीट नहीं कर पा रहे तो ये 3.87 कैसे बनाएंगे. हाँ, मतलब कहते हैं ना कि आपकी परफॉर्मेंस, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड समटाइम्स, और उसके बेसिस पे ही हम लोग आगे के प्रोजेक्शंस कर पाते हैं. तो जी, तो अगर बना सकेंगे तो वेरी गुड. हाँ, नोबडी वांट्स के ऐसा ना हो, बट रियलिस्टिकली अब क्या करते हैं कैसे करते हैं ये देखने वाली बात है. और बेसिकली ये व्हाट दे आर आल्सो डूइंग की दे आर ओपनिंग अ फेडरल लैंड
और ताकि वहां पर कंस्ट्रक्शन की जाए, डेवलपर्स यू नो दे विल बी हैविंग एक्सेस टू दिस दीज लैंड्स, पार्सल्स ऑफ लैंड जहां पर कंस्ट्रक्शन की जाएगी. सो फेडरल लैंड विल बी ओपन्ड अप बाय द गवर्नमेंट और विच इज अ वेरी गुड थिंग. इट इज अबाउट टाइम. वी हैव अ लॉट ऑफ लैंड बट अगेन रेड टेप की वजह से यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जहां पर रिस्ट्रिक्शन थी. मगर एक अच्छी प्रॉमिसिंग है. अब कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई विल नॉट बी सरप्राइज. सेकेंडली आपका आता है चेंजेस टू द फर्स्ट टाइम होम बायर्स. तो जो भी फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उनके लिए मॉर्गेज अमोर्टाइजेशन एक्सटेंड करी जा रही है बाई 30 ईयर्स बेसिकली फ्रॉम 25 ईयर्स. मगर देयर इज अ कैच एंड विच इज समथिंग आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ. कैच ये है कि आपने न्यू बिल्ड जब आप लेंगे एज अ फर्स्ट टाइम बायर ओनली देन यू विल बी यू नो बी एलिजिबल टू गेट एन अमोर्टाइजेशन टू 30 ईयर्स एज लॉन्ग एज यू आर अ फर्स्ट टाइम बायर. टू बी फेयर आई थिंक इट शुड बी एक्सटेंडेड थ्रू आउट. चाहे आप रीसेल ले रहे हैं, चाहे आप न्यू बिल्ड ले रहे हैं, चाहे आप न्यू बिल्ड कॉन्डो ले रहे हैं, न्यू बिल्ड होम ले रहे हैं, यार इट शुड बी थ्रू आउट द बोर्ड. हमें ये नहीं करना चाहिए कि आप न्यू बिल्ड के ऊपर ही आपको अमोर्टाइजेशन रेट 30 ईयर्स मिलेगा. तो उसके ऊपर इंक्रीज किया जा रहा है RRSP होम बायर्स प्लान वेयर दे विल बी एबल टू विड्रॉ लिमिट बेसिकली इंक्रीज करी जा रही है 35,000 से 60,000. नाउ बहुत अच्छी बात है, $60,000 35,000 से इंक्रीज किया गया 60,000. बट हु हैज 60,000 सिटिंग इन द RRSPs, स्पेशली होम बायर्स, स्पेशली फर्स्ट टाइम. तो किसके पास 60,000 पड़े हुए हैं रियलिस्टिकली स्पीकिंग, राइट? तो अगेन इट डजंट मेक सेंस, नॉट टू मच, बट यू नो इट इज अ स्टेप इन अ डायरेक्शन. तो लेट्स सी हाउ दैट गोज. और बट वही बात है कि आपकी अमोर्टाइजेशन रेट जो उन्होंने 30 इयर्स किया है, एक किस्म से ऑब्वियसली यू नो लोअर मंथली पेमेंट्स होती हैं, इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज होती है फॉर यंग पीपल जो घर या कॉन्डो लेना चाहते हैं. इट इज अ वेरी गुड स्टेप. बट अगेन मेरे हिसाब से अगर ये रीसेल में भी अप्लाई किया जाए आई थिंक इट विल बी अ लॉट बेटर एंड मच फेयरर एज वेल. ओके जी. तो ये थोड़ी सी हाईलाइट्स थी बजट की जो हमारे मतलब की थी यहाँ पर. बिल्कुल मेरे ख्याल से मैं इस बात से आपकी सहमत जरूर हूँ कि यहाँ पे सिर्फ जब आपने बोला कि ये सभी अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई हो जाए तो बेहतर होता या होगा, अगर जो आगे भी कुछ गुंजाइश इसमें है सिर्फ न्यूली बिल्ड न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए ये नहीं होती तो ज्यादा अच्छा होता. क्योंकि देखिए नॉट होता क्या है कि एवरीबडीज सर्कमस्टांसेस सिचुएशन लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफरेंट. जी जी जी. बहुत से ऐसे बायर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2-3-4-5-6 साल नहीं वेट करना चाहते. और कई बार क्या होता है, मोस्टली क्या होता है कि अ लॉट ऑफ दिस प्रोजेक्ट स्पेशली जो हाई राइज कॉन्डोज होते हैं वो डिले हो जाते हैं. बिल्कुल ठीक बात. 2-3 महीने होते हैं, कुछ 2-3 साल होते हैं. तो एज एन एंड यूजर उस केस में इतना इट डजंट मेक दैट मच सेंस. हाँ अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम. तो जितना लेट हो उतना अच्छा. मगर दैट बीइंग सेड थ्रू आउट अगर फॉर एग्जांपल देयर माइट बी समबडी यू नो अ कपल आर गेटिंग मैरिड, दोनों फर्स्ट टाइम बायर्स एंड दे वांट अ होम नाउ. तो व्हाई शुड दे हैव टू वेट for a couple of years, a couple of months, ताकि they can get 30 years of amortization. जी बिल्कुल ठीक बात है. तो logically देखें तो फिर I don't think it was very well thought throughout. मगर it is what it is, but it is still something than nothing at all. हाँ हम कहते हैं ना कि जो हाथ आए वो अच्छा, देर आए दुरुस्त ना भी आए पर देर आए तो कुछ तो ठीक आए. उसमें हम बात कर रहे थे और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते. तो फिलहाल हम इन्हें भूला नहीं कहते, हम सोच लेते हैं कि चले कुछ तो किया, उतने में ही हम कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं फिलहाल. और मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि
हमने एक और प्रोजेक्ट डिस्कस किया है स्पैडिना का, 101 स्पैडिना डाउनटाउन टोरंटो में आज, और उसमें अगर आप कुछ पता करना चाहते हैं, बहुत अच्छी सी लोकेशन है, बहुत अच्छी सी प्राइसिंग है, बहुत अच्छा इसका डिपॉजिट स्ट्रक्चर भी है, और इंसेंटिव्स क्या हैं, डिटेल्स आप पूछ सकते हैं सौरभ जी से. नंबर टू कॉल हिम इज 6478-64-8844, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com. और जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसका आंसर अगर आपको पता है तो उसके लिए भी आप फटाफट रेडियो टेक्स्ट कर दें, एंड नंबर टू टेक्स्ट इज 1855-630-3232. यू माइट विन $25 का गिफ्ट कार्ड स्पॉन्सर्ड बाय टीम सबरवाल. थैंक यू सौरभ जी फॉर योर टाइम टुडे. अगले ट्यूसडे को फिर बात करेंगे आपसे, और देखते हैं अगली बार टॉपिक आप क्या निकाल के लाते हैं. जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी.